अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर, आप देख रहे हैं अरकम न्यूज़ HD। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। इमरान खान के वारंट मौतली के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू, आप दरख्वास्त लेकर आए फिर देखते हैं चीफ जस्टिस का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, इमरान खान का 18 मार्च को पेश होने का तहरीरी बयान जारी, वकील ख्वाजा हारिस बयान हल्फी लेकर अदालत पहुँच गए। पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने में नाकाम, रेंजर्स और पुलिस की कैनाल रोड पर सिफ्ट बंदी, PTI कारकुनान दोबारा जमान पार्क पहुंचने लगे। फवाद चौधरी कहते हैं कायद की हिफाजत के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, अपने लीडर को राणा सनाउल्ला के हवाले नहीं करेंगे। अदालती अहकाम पर अमल कराया जाए, पंजाब हुकूमत, मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत, कहा कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जमान पार्क से मुलहक इलाकों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इमरान खान कहते हैं वारंट 18 मार्च के थे, इसके बावजूद कार्रवाई की गई, औरतों और बच्चों पर शेलिंग की गई, अंडरटेकिंग दी मगर DIG ने वसूल नहीं की, मेरी गिरफ्तारी लंदन प्लान का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान ने बार बार कानून की खिलाफ वर्जी की है, अदालतें बुलाएं तो पेश नहीं होते, इमरान खान को कानून की खिलाफ वर्जी पर जवाब देना होगा। जमान पार्क पर पुलिस एक्शन के खिलाफ मुजाहरे, इस्लामाबाद और कराची समेत कई शहरों में पर्चे कट गए। ये थी अब तक की अहम खबरें, मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए अरकम न्यूज़ HD।